हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस, मोटोरोला मोटो E30 फोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक बना लगा गाइस कि अपने फोन के गैलरी के गाइस रिसेंटली बीन डिलीटेड ऑप्शन को गाइस कैसे वहां से अपने फोटोज एंड वीडियोस को गाइस रिकवर करेंगे, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर गाइस जैसे कि आपने गैलरी से गाइस कोई भी एक फोटोज़ एंड वीडियोस को अगर डिलीट कर दिया है, वो गाइस आपके रिसेंटली डिलीटेड में या फिर गाइस बीन वाले ऑप्शन में जा चुका है, तब उसको गाइस कैसे रिकवर करेंगे, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूं, गैलरी को ऑन करता हूं। एंड गाइस मैंने यहां से कोई भी फोटो को डिलीट कर दिया, इस फोटो को डिलीट कर दिया। अब गाइस मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा, तो सिंपली गाइस आपको चले जाना है फोल्डर वाले ऑप्शन में। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको बीन वाला ऑप्शन मिलता है। अगर गाइस आपने अपनी गैलरी से कोई भी अगर चीज़ों को अगर डिलीट किया है तो गाइस आपको यहाँ पे जमा हुआ मिल जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से गाइस मैंने इतने सारे वीडियोस को एंड फोटोज़ को डिलीट किया हुआ था। अब गाइस मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा, मुझे गाइस एक साथ अगर सारे चीज़ों को अगर रिकवर करना है या फिर गाइस मुझे कोई भी एक चीज़ को रिकवर करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन मुझे यहाँ पे देखिए रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसको यहाँ से अलाउ कर दूँगा। अब गाइस देखिए मेरी गैलरी में जो फोटोज़ थी जा चुकी है, यानी कि रिकवर हो चुकी है। अब गाइस ये जो वीडियो था इसको भी मैं अगर रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं भी ये कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है गाइस, ये भी मेरे फ़ोन में यानी गैलरी में आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन की गाइस कोई भी फोटोज़ को वीडियोज़ को गाइस रिकवर कर सकते हैं अपने बीन वाले ऑप्शन से या फिर अपने रिसेंटली डिलीटेड वाले ऑप्शन से एकदम आसानी से गाइस। अगर कोई दिक्कत जाए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।